सो हेलो एवरी वन माई नेम इज़ रिशफ एंड वेलकम टू अभिमन्यू आई उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस राइट जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में बिकॉज इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम देर आर क्वेश्चन्स आस्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइक जो भी आपके कॉम्प्रीहेंशन थे वहां से एक एग्जामिनर ने एक, एक स्टेटमेंट निकाली एंड यू वर आस्ट दट वट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ठीक है इसको एक वन वर्ड में आपको सब्सिट्यूट करना है या वन वर्ड में आपको रिप्लेस करना है इसको ठीक है सो so, like, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें कि ग्रामर के लाइक like, अगर मैं बात करूँ तो आपसे पूछा गया था जैसे कि यू कैन से सिनिम्स ठीक है डायरेक्टली नहीं पूछे गए कॉम्प्रिहेंशन से ही वर्ड्स निकाल के आपको दिए गए या फिर आपसे पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक है तो इसलिए हम थोड़ा सा इन इनपे ज्यादा फोकस रखेंगे अलॉन्ग विद द कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस ठीक है अभ्यास 2.0 हैज लॉन्च फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन ठीक है यू कैन गो फॉर इट जिसमें कि यू विल गेट ऑल द बेसिक ऑल द थिंग्स जो भी आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है आई विल बी टेलिंग एट द एंड ऑफ द सेशन जो भी अभ्यास 2.0 के बारे में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और आ, कैसे आप अपनी तैयारी को आगे बूस्ट कर सकते हो ठीक है ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि आपको थ्रू आउट योर प्रोसेस दे विल गाइड यू दे विल हेल्प यू दे विल मेंटर यू राइट चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास ओके सो जैसा कि व्हाट आई हैव डन दैट जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मुझे लगे जो कि आपको पता होने ही चाहिए ठीक है जहां पे गलत करने की गुंजाइश बिल्कुल कम है क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ सिक्सटी टू सेवेंटी या फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी परसेंट ऑफ द पीपल अगर वो इन इन क्वेश्चन को सही करेंगे और आप इसी में गलती कर दोगे देन यू विल बी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन अब नॉट से सात क्वेश्चन आठ क्वेश्चन आपका डिसाइड करेंगे कि लाइक वेदर यू आर गोइंग टू क्लियर इट और नोट बट ट्रस्ट मी ये फ्री के मार्क्स होंगे इंग्लिश में ठीक है अब थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये भी है कि देर आर चांसेज दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी Higher as compared to last year, right? Because pattern through us unpredictable is because 2023 may there were around 8 questions, 2022 may there were 16 questions, and 2021 may there were around 25 questions. So you can see what is the unpredictability level that the that this examination is having for aspirants, right.

कोई भी डिफिकल्ट आपको वर्ड मिलता है उसको वहीं पे तीन चार बार लिखिए सो दैट उसकी स्पेलिंग्स जो है वो आपके जहन में फिट हो जाए ठीक है क्योंकि आपसे एग्जामिनर करेक्ट स्पेलिंग या फिर फाइंड दिस स्पेल्ट वर्ड या करेक्ट द मिसपेल्ट वर्ड ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपको आने चाहिए ओके द फर्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है द गवर्नमेंट दैट रन बाय ऑफिशियल्स लाइक फॉर विच यू आर गोइंग टू सी एज वेल ठीक है सो यू आर गोइंग टू ज्वाइन इट एंड इज द गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है फिर भी ठीक है आप इसको देख लीजिएगा मोनार्की ना वट इज द मीनिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट बाई अ किंगीन दैट इज कॉल्ड मोनार्की अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाई नोबेस्टोक्रेसीचुअली okay. uh, होता क्या है, जो, uh, such, city, uh, like है ना यहाँ पे थोड़ा सा जो uh, चर्च में जो पादरी होते हैं पोप होते हैं इनका काफी ज्यादा uh, एक यू कैन से काफी अच्छी इमेज होती है लोगों में एंड लोग इन्हीं को फिर गवर्नमेंट बना देते हैं राइट सो दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी अनारकी होती है लैक ऑफ गवर्नमेंट याबसेंस ऑफ गवर्नमेंट ठीक है आई स्टिल रिमेंबर आपसे लास्ट ईयर इसी भी क्वेश्चन पूछा गया था आई एम नॉट श्योर कि 2021 का था या 23 का था बट यस yes, पूछा गया था देर वॉज क्वेश्चन पेपर जिसमें कि वन ऑफ दीज थ्री ईयर्स एक पेपर में क्या करा उन्होंने कि कॉम्प्रीहेंशन से एक स्टेटमेंट निकाली कुछ ऐसा लैक ऑफ गवर्नमेंट करके कुछ ऐसा सेंस जा रहा था एंड द राइट आंसर उसके लिए था आपका अनारकी फोकसिंग ऑन दिस थिंग ये आपको पता होना चाहिए ठीक है और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑटोक्रेसी होता है डिक्टेटरशिप ठीक है ऑटोक्रेसी होता है ये मुझे याद है इस पर क्वेश्चन आए थे ये ऑटोक्रेसी पे भी एनआर पे भी आप चेक कर सकते हो हमारे लेक्चर्स पड़े होंगे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे हैं एंड ऑटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन या फिर जिसको आप बोलते हो डटेटरशिप तानाशाही फिर आता है ऑटोनॉमी पढ़ते हो ना आप ऑटोनोमस रीजन ऑटोनोमस रीजन क्या मतलब होता है इसका ऑटोनॉमी का मतलब होता है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट खुद की सरकार बनाने का अधिकार दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी ओके एंड द नेक्स्ट वन इज ऑलिगार्की कुछ ऑलिगार्की पढ़ते हैं इसको कुछ ऑलिगार्की पढ़ते हैं आई प्रनाउंस इट लाइक ऑलिगार्की राइट ऑलिगार्की इज गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन दैट इज कॉल्ड ऑलिगार्की गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल्स सॉरी फ्यू पर्सन नॉट पीपल पीपल्स ओके फ्यू पर्सन फिर आता है प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द रिच अब कुछ लोग ना क्या करते हैं कि अरिस्टोक्रेसी अरिस्टो और प्लूटो में ना फर्क नहीं कर पाते ये बाय रिच पीपल है ठीक है प्लूटोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय रिच पीपल बट अरिस्टोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल हुर नोवेल्स और दे आर लोर्ड ठीक है जिसको लोग भगवान का दर्जा देते हैं राइट जैसे पादरी वगैरह पोप हो गए दैट इज गोल्ड ठीक है और फिर हमारा आता है ये तो रिच ऑफ गवर्नमेंट बाय रिच हो गया राइट द नेक्स्ट इज थियोक्रेसी अब जो थियो वर्ड है ना ये भगवान के लिए यूज हुआ किया जाता, जाता है ये थियो या फिर थी थी ये थी वर्ड जो है ये गोल्ड ठीक है एक सेवेंथ में एक पोएम है वेयर द माइंड विदाउट फियर राइट सेवंथ क्लास की पोइम थी वेयर द माइंड विदाउट फियर उसी में एक इस वर्ड का जिक्र करा गया है जो कि पोएम लिखी गई है बाय रविंद्राथ टैगोर एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड दिस वर्ड इज इज दैट ठीक है तो ये जो थी वर्ड होता है ना थी वर्ड ये टी एच ई इसको गोड से कंपेयर करा जाता है दैट इज वाई इसका रूट वर्ड भी बन जाता है गोड तो जो थियोक्रेसी कुछ रिलीजन कुछ धार्मिक चीजों के बारे में ना बात करी जाएगी हमेशा उससे रिलेटेड ओके सो थियोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन ठीक है द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर सेक्युलर कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वेयर देर इज नो पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट राइट कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है ठीक है दैट कंट्री इज ओपन टू ऑल द रिलीजन लाइक इंडिया ठीक है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री वेयर देर इज नो सच रिलीजन कि हाँ हिंदू मेजोरिटी है मुस्लिम मेजोरिटी है राइट कुछ भी लाइक दैट ओके देर आर सम मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान पाकिस्तान है ना वहां पे उन्होंने क्लियर कट एक रिलीजन मेंशन uh, कर रखा कि यस दिस इज मुस्लिम कंट्री है ना बट इंडिया इज सेक्युलर कंट्री ओके तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एबडिकेट एबडिकेट का मतलब क्या होता है एबडिकेट का मतलब होता है कि टू गिव अप इसका वैसे मतलब होता है टू गिव त्याग देना ठीक है त्याग देना, क्या त्याग देना टू गिव थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी ठीक है मतलब जो भी आपको शान जैसे है ना आपका थ्रोन त्याग देना ठीक है अपना कोई काफी ज्यादा कोई आ, हाई किसी के पास पोजीशन है उसको आ, गिव अप कर देना दैट इज कॉल्ड एबडिकेट ठीक है फिर आता है एम्बेसडर और डिप्लोमेटिक मिनिस्टर पता ही आपको अनार्किस्ट ठीक है का मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर ठीक है अनार्की क्या हो गया समझ रहे इस चीज को अनार्की का मतलब हो गया लैक ऑफ गवर्नमेंट राइट लैक ऑफ गवर्नमेंट और अनार्किस्ट uh, का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट को खत्म कर देना चाहता है ठीक है एक मिनट मैं फिर से लिख देता हूं ठीक है इसका मतलब जो गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर देना चाहता है उसको बोल देंगे अनार्किस्ट और अनार्की मतलब लैक ऑफ गवर्नमेंट राइट लैक ऑफ गवर्नमेंट इज दैट क्लियर और पॉलिटिक्स पता ही या सबको आपको नेक्स्ट वर्ड देखिए फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सुसाइड सुसाइड पता है आपको मैट्रिसाइड अभी कुछ वो वर्ड्स हैं जो किलिंग्स और डेथ से रिलेटेड हैं रिलेटेड टू किलिंग और डेथ ठीक है क्या फर्स्ट वर्ड आपको पता है, अब ये जो है ना साइड ये साइड ये से ही रिलेटेड होता है ठीक है डेथ से रिलेटेड होता हैिंग वन मदर ठीक है मैट्री साइड याद रखेंगे मैट्री साइड एक आता है पैट्री साइड ये पढ़ा ना आपने मैटरल मैटर्नल हो गया पैटर्नल हो गया ठीक है मैटरनल मतलब मदर वाली साइड है ना और पैटर्नल मतलब फादर राइट आई होप उम्मीद करता हूं ये बेसिक सी चीजें तो आपको पता होंगी तो मैट्री साइड मतलब द किलिंग ऑफ वन मदर पेट्री साइड किलिंग ऑफ वन फादर फ्रेट्री साइड साइड बात कर रहा हूं नोट पैट्री साइड ना फ्रेट्री साइड किलिंग ऑफ ब्रदर Fratricide मतलब killing of ऑफ sister. sister, ठीक है और killing of one's wife. अपनी का ही मर्डर करना दैट इज कॉल्डोरिट ठीक है स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार युजोरिसाइट ओके एंड नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज फिलिसाइड किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन इज कोल्ड फिलीसाइड इज दिलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन दैट इज कोल्ड फिलिसाइड नेक्स्ट इज इनफेंटिस होगा मर्डर ऑफ एन इंफेंट और न्यू बोर्न बेबी मर्र ऑफ एन इन्फेंट और न्यू बोर्न बेबी दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड ठीक है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट इन्फेंटिसाइड एक इंफेंटिस होता है फेटस पढ़ा है ना आपने ये साइंस में पढ़ा होगा एफ ओ ई -E टी ओ यू -E एस ठीक है जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण है ना व्हेन दैट चाइल्ड इज डेवलपिंग इनसाइड द वूम ऑफ मदर राइट दैट इज कॉल्ड फेटस तो फेटिसाइड मतलब उसको बच्चे को अभी पैदा होने से पहले ही मार देना दैट इज कॉल्ड फेटिसाइड द इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन फेटस ठीक है एफ ओ ई टी ओ यू नि टी यू एस होगा ठीक है जस्ट अ मोमेंट ठीक है, फिटस जिसको बोलते हैं भ्रूण हत्या है ना ठीक है फिटस इन नेक्स्ट इज किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग अब कई बार ना बहुत एक बारीक सा फर्क है एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेगा इसको मैं रेज कर रहा हूं सब कुछ या तो वो होमिसाइड दे, दे देगा एक साइड एक ऑप्शन में और एक ऑप्शन में ऑप्शन में, दे, में देगा सुसाइड ठीक है और आपसे पूछेगा ठीक है कि कुछ देगा स्टेटमेंट ऊपर लेफ्ट फॉर उसने पूछ लिया किलिंग ऑफ ह्यूमन किलिंग ऑफ ह्यूमन बोल दिया और आप आप कंफ्यूज हो कुछ लोग मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूं इस चीज को देर आर सो मैनी पीपल सो मैनी एक्सपिडेंट्स जो कि सुसाइड करके आएंगे इसका ठीक है किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग का मतलब होगा होमिसाइड नोट सुसाइड सुसाइड होगा किलिंग ऑफ वन सेल्फ इसलिए बोलता हूँ कोई इजी चीज है इसका मतलब ये नहीं कि वो इजी है तो उसको देखना नहीं है बहुत सी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन में करके आते हैं एंड दैट इज द रीजन की समटाइम्स यू ठीक है यू फेल फ्रॉम लाइक बाय वन मार्क टू मार्क राइट लिक लाइक दिस है ना तो बहुत सीली सी मिस्टेक्स हो जाती है कि वो क्वेश्चन जो आपका ठीक हो सकता था जिसको सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट पीपल आर डूइंग राइट एंड इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक इन दैट क्वेश्चन सो यू कैन फाइंड की आपका कहां पर एग्जिस्टेंस है ओके okay? तो होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन बींगट्स अब यहां पर देखिएगा एक आ गया आपका मैटरी साइड एक आ गया आपका पैट्रीसाइड ठीक है एक आपका फ्रेटरी साइड एक आपका आ गया uh,

से तो कैसे कर लो पैटर्नल है ना अब यहाँ पे बात कर रहा है paris, अब दोनों parents की बात कर रहा है। तो पेरेंट्स मतलब अपने मदर फादर uh, दोनों को मारना that is called ठीक है? ऑफ किंग और क्वीन दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड पोस्टिमस मरणोपरांत जिसको बोलते हैं समथिंग अकरिंग आफ्टर डेथ ठीक है पोस्टिमसली किसी को अवॉर्ड मिलता है है ना? Legacy, विरासत द प्रॉपर्टी लेफ्ट ऑफ अ विल ठीक है विल मतलब अपनी इच्छा से ओबिच्योरी ओबिच्युरी मतलब अकाउंट इन द न्यूज पेपर जिसमें देखते हैं ना वो श्रद्धांजलि लिखते हैं ओबिच्योरी है, है ना यही होता है इसका मीनिंग द मीनिंग ऑफ ऑबिचुरी इज श्रद्धांजलि ऑटोप्सी रिपोर्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट बहुत बार सुना होगा सी है ना ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम के स्पेलिंग देख लो बहुत से बच्चों को पता नहीं इसके स्पेलिंग ऑटोपसी या फिर पोस्टमार्टम मॉर्टम ओके एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी फिर आता है मैरिट मैरिटी साइड एक मैट्रिसाइड तो मदर का हो गया मैरिटी साइड किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड ठीक है इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एक होता है युगजोरी साइड ठीक है एक हमारा आ गया मैरिटी merit, साइड ऐसे मैरिटल तो है ना मैरिटी साइड तो ये वाइफ के बारे में हो गया किलिंग ऑफ वन वाइफ क्योंकि साइड आ रहा है और ये हो गया हस्बैंड मेरिटी साइड ओके okay? फिर आता है जेनोसाइड जब लार्ज स्केल पे किसी एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को मारा जाता है दैट दैट इज इज कॉल्ड जेनोसाइड क्लियर ओके अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बिकॉज अल्टीमेटली रिविजन इज द की मैट्री साइड हो गया आपका मेटरनल मदर पेट्री साइड आपका फादर हो गया राइट right? uh, फिर अगेन आपका आता है

सेकेंड इज रेजिसाइड थर्ड वन इज पोस्ट्यूमस मरणोपरांत फिर अगेन रिच जो कि न्यूज पेपर में एक अलग सा पेज होता है जहां पे श्रद्धांजलि कोई अगर किसी की डेथ होती है या कुछ भी ऐसा रहता है तो उसके बारे में वहां पे बताया जाता है अगेन नेक्स्ट वन इज फिर हस्बैंड और वाइफ की बात करता हूं तो हस्बैंड के अगर कोई मर्डर करता है दैट इज कॉल्ड मैरिटी साइड मैरिटी साइड अब इसको याद कैसे करोगे मैरिटी क्योंकि कंफ्यूजन कहां पे हो सकती है बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है हो सकता है कि मैट्री और मैरिटी में ठीक है तो मुझे एक चीज बताओ जो स्टेटस पूछते हैं कि मैरिड है ना तो मैरिटल स्टेटस करके होता है ना मैरिटल स्टेटस ठीक है मैरिटल है ना तो मैरी मैरी से याद कर लो मैरी ठीक है तो मैरिटी साइड दैट इज योर हजबेंड्स मर्डर और यूजोरी साइड योर लाइक नॉट योर बट वाइफ्स मर्डर है ना जबेंड आई होप ये सारे की सारी चीजें आपके दिमाग में फिट बैठ गई होंगी ओके इसीलिए दैट्स वाई आई हैव पुट ऑल दीज जो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड आपके सब्सटीट्यूशन है आई हैव पुट टूगेदर जो कि आपको याद करने के लिए ईजी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए फिर इसके बाद ठीक है अब कुछ कॉमन से वर्ड्स हम देखते हैं फर्स्ट इज ब्लास्टेमी ब्लैस्टेमी ब्लैस्टेमी का मतलब क्या होता है जब हम भगवान के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ठीक है वर्ड्स अटर्ड अपवित्रता से भगवान के लिए बोले गए शब्द इज कॉल्ड ब्लैस फिर आता है एमबी वैलेंट हैविंग मिक्सड फीलिंग्स एमबी एमबी का मतलब होता है दो ठीक है एमबी का मतलब होता है टू ये रूट वर्ड जो बताता रहता हूं साथ में मैं प्लीज मेक श्योर इनको अच्छे से आप पढ़ो अच्छे से समझो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे एम बी का मतलब होता है टू ठीक है वैलेंट का मतलब हो गया फीलिंग एम बी वैलेंट एक होता है एम बी डेक्सट्रस एम बी का मतलब टू हो गया और डेक्सट्रस का मतलब होगा स्किल्ड ठीक है तो जो दोनों हाथों से लिखने में कला हो जिसके पास में जो टैलेंट हो उसके उसको बोलते हैं एम बी ठीक है वन हु इज एबल टू राइट फ्रॉम बोथ हैंड्स विद इक्वली कैपेबिलिटी के साथ में राइट दैट इज कॉल्ड एमबी डेस्ट ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं किस में यह मैं synonyms की क्लास में भी कवर कर चुका हूं राइट सो दीनिंग फॉर द सेम वुड बी इसका मतलब होता है नोट लाइकली टू बीजली प्लीज्ड वैसे तो नोट लाइकली टू बी इजली प्लीज्ड या फिर इसको ऑनेस्ट सेंस में भी बोलते हैं जो ईमानदार लोग होते हैं ठीक है हार्ड को और ईमानदार उनको uh, रिश्वत देना या उनको है ना कॉक्स करना बहुत मुश्किल होता है दैट्स द मीनिंग फॉर द सेम वुड बी नॉट लाइकली टू बी दैट इज कॉल्ड चेस्ट एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक इन द ग्राउंड एंड एक्सट्रीमली डीप क्रैक इन द ग्राउंड इज कॉल्ड चेस्ट राइट फिर आता है हमारा फेसिमिली फेसिमिली फेसिमिली, फेसिमिली एन एग्जैक्ट कॉपी जिसको आप बोल सकते हो रेप्लिका रेप्लिका इज दैट क्लियर आपका एग्जैक्ट कॉपी या फिर रेप्लिका नेक्स्ट इज आर्टिक्यूलेट आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है एकदम फ्लूएंट एंड एकदम स्पष्ट ये मैं आपको किस में पढ़ा चुका हूं रूट वर्ड्स की क्लास में बताइएगा क्रिस्टल क्लियर के लिए क्या रूट वर्ड था एल यू सी करके था ल्यूस ठीक है जिससे हमारे वर्ड्स बने थे ल्यूसिड ठीक है पेल्यूसिड भूल गए होंगे पढ़ा तो होगा नहीं है ना तो उसमें पढ़ा था हमने आर्टिकुलेट भी पढ़ा था फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट नेक्स्ट एक्ट एक्ट एक्सनरेट का मतलब होता है किसी को रिलीज करना किसी को बरी कर देना ठीक है दैट इज कॉल्ड एक्जनरेट फ्री समी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट दैट इज कॉल्ड एक्जनरेट कैसकेट कैस्ट का मतलब होता है एक वॉटरफॉल राइट रडनडेंसी ये वर्ड आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं रिडंड उम्मीद करता हूं मैं इसका मतलब होता है सुपर फ्लुएटी कि जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी आप किसी चीज का यूज करोगे दैट इज कॉल्डेंट थिंग ठीक है जहां पे उसकी जरूरत नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं मैंने लिखा राम या फिर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ चलो राम ही लिख देता हूं ठीक है राम इज परफेक्ट अमंग ऑल, है है, ना? ठीक दैट इज राम इज़ परफेक्ट अमंग ऑल तो हमने यहां पे यूज कर दिया द किसके साथ में वो भी परफेक्ट के साथ में आप खुद बताइए मुझे जो अपने आप में परफेक्ट है वाई वी आर यूजिंग सो दिस इज कॉल्ड रिडेंडेंसी ठीक है दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लूसिंग सुपरफ्लूस मतलब जिसकी जरूरत यहां पे नहीं है एंड फिर भी हमने इसको यूज करा एंड दिस इज कॉल्ड या फिर superfluity. फिर आता है सब प्लॉट सब प्लॉट का मतलब होता है एक मंजिल ठीक है अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी एक मंजिल के अंदर ही मंजिल है ना सब प्लॉट राइट मंजिल के अंदर मंजिल दैट इज कॉल्ड सब प्लॉट ओके नेक्स्ट देखते हैं सेलिबेसी सेलिबेसी का मतलब क्या होगा द स्टेट ऑफ बींगरिड जिसको बोलते हैं जैसे कि महावीर चलो उन्होंने पहले ही शादी कर ली थी बट कोई साधु संत होते हैं जिन्होंने सब दुनिया त्याग रखी होती है द स्टेट ऑफ बींगमेरिड उसको बोलते हैं सेलिबेसी मैट्री मनी अगेन वो मैट्री वाला पॉइंट याद आ गया अब जैसे ये मैट्री याद आए तो यहां से क्या आना चाहिए आपको आपको याद मैट्री साइड सॉरी मैरिटी साइड क्योंकि मैट्रीमोनियल या फिर मैरिटल स्टेटस है ना मैरिटल और मैरिटल याद आना चाहिए आपको मैरिटिसाइड साइड मतलब किलिंग ऑफ वंस हजब दैट इज कोल्ड मैरिटी साइड किलिंग ऑफ वंस वाइफ दैट इज कोल्ड युगोरी ठीक है ओके सो नेक्स्ट फिर आपको मैं ये बता चुका हूं कि ठीक है मैरिटी साइड को आप कैसे याद कर सकते हो ठीक है मैरिटी साइड हो गया युगजोरी साइड हो गया फिर आता है हमारा बाई अब बाई गैमी, गैमी का मतलब हमारा मैरिज से रिलेटेड होता है गैमी का मतलब होता है हमारा मैरिज से रिलेटेड मैरिंग वन पर्सन वेल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर तो बाई बाई का मतलब हो गया दो और गैमी का मतलब हो गया मैरिज ठीक है तो इसको मैं लिख देता हूं गैमी का रूटवर्ड में हमारा मीनिंग होता है मैरिज ठीक है मैरिज हो गया बाई मतलब दो गैमी मतलब दो, मतलब दो मैरिज अडल्ट्री ठीक है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफ रिलेशन दैट इज कॉल्ड अडल्ट्री इसको अडल्ट्री को कंफ्यूज मत करना अडल्टूड से है ना ये समथिंग इज इज दिस समथिंग डिफरेंट द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन फिर आता है हमारा लिव इन रिलेशनशिप ठीक है जिसको आप बोलते हो आजकल इट्स वेरी ट्रेंडिंग अ मैन एंड वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड दैट इज कॉल्ड कनक्यूमबेज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार मार्क फिर आता है मोनोगी गैमी अगेन मैरिज

पोलिगैमी जो दो से ज्यादा शादियां करेगा पोलीगैमी हो गया पोलियड्री द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर मोर देन देन वन वन हस्बैंड अब तो हो गया वाइफ ठीक है बट पोलियड्री हो गया मोर देन वन ठीक है बराबरी रहेगी ना इक्वालिटी दोनों साइड रहेगी ऐसा तो है नहीं कि ठीक है ये राइट सिर्फ लड़कों का है आदमियों का है ना सो so, अब लड़के भी पीछे नहीं है पोलियंड्री द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम स्पिस्टर तो कुरी कन्या है ना दैट इज कॉल्ड स्पिंस्टर तो ये हमारी आज की क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने को है ठीक है नेक्स्ट इज हमारा मि मिस एंथ्रोप मिस एंथ्रोप मिस एंथ्रोप होता है आपका बताइए हेटर ऑफ मैनकाइंड ठीक है जैसे फिलेंथ्रोप होता है प्रोपकार मिस एंथ्रोप होता है मिसो मिसो वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए इसको बिना सोचे समझे इतना तो समझ लेना कि कोई नेगेटिव वर्ड होगा ये मिसो ठीक है फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया आपका आ, लवर ऑफ मैनकाइंड फिलेंथ्रोपिस्ट मिसोगिनिस्ट अगेन मिसो वर्ड आ गया और गिनिस्ट मिसो गैमिस्ट गैमी मतलब हेटर ऑफ मैन हेटर ऑफ मैरिज मिसोगिनिस्ट हो गया हेटर ऑफ वा गैमोफोबिया फिफ गेटिंग है ना uh, मतलब नियो गर्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूं और गैमी का मतलब होता है शादी तो क्या बोलेंगे married, married. बहुत ईजी है इंग्लिश इसको मत इतना हुआ बनाओ नियो मतलब नया गैमी मतलब शादी नई नई शादी मिसो मतलब नेगेटिव वर्ड है हमारा गिनिस्ट मिसो मतलब और गिनिस्ट ये पढ़ चुके हैं ना हाँ मिसो फिर से रिपीट हुआ है वन हु डिसलाइक्स वुमेन पे तो हेटर या सेम है है मीनिंग सेम लिखने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है वन हु हेट्स वुमेन या फिर वन हु डिसलाइक वुमेन ऑप्सोलिट होता है पुराना अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज ऑप्सोल्यूट ऑब्सोलिट का मतलब होता है पुराना ओल्ड डल ठीक है मंडेन बोरिंग इसको मैं लिखने लगूंगा ना तो भर दूंगा इस बोर्ड को यहीं पे रेटिसेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी रिजर्व इन स्पीच ठीक है और एक लेकोनिक भी इसके लिए वर्ड होता है लेकोनिक रेटिसेंट हो गया लेकोनिक हो गया दोनों का मीनिंग सेम जाएगा और दोनों का मतलब होता है जो कम बोलते हैं थोड़े से रिजर्व होते हैं थोड़े से यू कैन से एक वर्ड हम बड़ा यूज करते हैं ना इंट्रोवर्ड यस इंट्रोवर्ड वर्ड है ना uh, yes, तो वैसा कुछ वर्वोस जो काफी ज्यादा बोलता है ठीक है अस्टाइल वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड सो दिस इज ऑल फॉर सेशन। आई होप यू इट एंड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं एट एंड ऑफ द सेशन हमारे अभी अभ्यास 2.0 के बारे में जो कि 75 डेज का कोर्स रहेगा जिसमें कि वी विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल ठीक है थ्रू आउट योर जर्नी यू विल बी गेट यू विल बी गेटिंग मेंटोरशिप प्रो जो भी हमसे आपको मिलेंगी ठीक है क्योंकि एक एग्जाम को निकालने के लिए अच्छा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस तो है ही है सी जेड क्लासेज पी डी एफ नोट्स आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेंटोरशिप गाइडेंस इट प्लेज अ रोल तो थ्री मेन थिंग्स फर्स्ट वन इज मेंटोरशिप सेकेंड वन इज योर हार्डवर्क एंड द थर्ड वन इज जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा दैट प्लेज वेरी वेरी क्रूशियल रोल ये तीन चीजें सही डायरेक्शन में अगर आप यूटिलाइज करोगे तो आप आराम से अपना जो ड्रीम है उसको अचीव कर लोगे ठीक है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ठीक है दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन नेक्स्ट सेशन तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए है, मिलते हैं जय हिंद जय भारत